थाना सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक परिपाल डंडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पार्षद राजपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब की बार जो भी नेता आएगा उसको रबड़ी यही खिलाएंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक परिपाल डंडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ताल का लाइव और सीधी तस्वीरें आपको पानीपत के वार्ड नंबर 24 से दिखा रहे हैं और गली नंबर क्या कौन सी नंबर है जी? ये गली नंबर कोई नहीं है, ये अपना गडरियो वाली गली सर, दुर्गा मंदिर के पास का एरिया है। अर्जुन नगर, अर्जुन नगर की लास्ट गली है। चलिए, अर्जुन नगर की ये आखिरी गली और कई गलियां तकरीबन यहाँ पर सारी गलियां ये बताई जा रही है कि इसी तरह से बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं कि कीचड़ के अंदर लोग खड़े हुए हैं और कई लोग ऐसे बूढ़े लोग हैं जो बीमार पड़े हैं, परेशान हैं और उनको रात को भी क्या पता किस वक्त लेकर भागना पड़े अस्पताल के अंदर। तो ये लोग सभी इसलिए परेशान हैं कि प्रशासन की, स्थानीय नेताओं की आंख खुले और अब जो इनको ये परेशानियां आ रही हैं उस पर कुछ उनकी समस्या पर संज्ञान लिया जा सके और गंभीर आरोप और कई जो नेता हैं वो रोष जताते हुए जो यहाँ के आसपास के कई लोग हैं वो परेशान हैं। क्या कहना है जी आपका, क्या नाम है? कहना जी फूल सिंह है जी, मेरा फूल सिंह नाम है जी। ना तो कोई नाली है, ना कोई पानी का इंतजाम है, प्यासे मरण मिट रहे लोग बाग, रास्ता नहीं लिखन का, हमारे घर मकान गिरने को हो रहे जी, पानी भर रहा पीछे बहुत। हमारी तो यही है इसकी सुविधा हो। नेताओं को नहीं बोलते आप, शिकायत करते हैं एमसी को, विधायक को? कह लिया जी, कई बार फोन कर लिए, नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता हमारी। सुनता नहीं, आऊं मैं तो दो मिनट में आ जाऊं। आज एमसी ने कह दिया, सारे तक कह दिया, देख मारे गली में बुरा डाल। कौन एमसी, कौन आपके यहां एमसी है? राजपाल, राजपाल है यहाँ। सब लोग मरने पे आ रहे हैं, गलियां देखो क्या हाल हो। कुछ नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा और माफी चाहूंगा। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, कुछ महिलाएं भी आसपास आप देख पा रहे हैं, तमाम बच्चे हैं, बीमारियां फैलती हुई जा रही है जी। बताइए, एक भी घर में पीने के लिए पानी नहीं है। डेली दो दो घंटे मैं अपना पर्सनल सबमर्सिबल चला के पानी भरवाता हूँ। क्या डायरेक्ट बिजली थोड़ा चला रहा हूँ मैं, मेरा बिल भी आता है, ठीक है। इस गली में तीन सबमर्सिबल है, तीनों के तीनों अपने घर से पानी देके शाम के 200-200 आपके पास लाए, मैंने फोटो भी भेज रखे हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये देखो क्या हाल हो रहा है, ऐसा नहीं कोई आदमी रात में बीमार हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, किसी को उठा के हॉस्पिटल में लेके चले जाएं, या किसी महिला की डिलीवरी हो तो वो तो यहीं मर जाएगी, किसको उठा कंधे पे लेके जाएं। पार्षद है, पार्षद नहीं सुनता, आता है इस जहां उसको समस्या ये बता देना यहां दिक्कत है, उस गली से तो चार गली दूर को निकलता है। सीधी बात है, कोई प्रशासन नहीं सुनता, कोई एमसी नहीं सुनता, कोई विधायक नहीं सुनता, जयराम जी के यहाँ नरक बना के छोड़ दिया है। लोग भी थे जो यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ कई लोगों ने विरोध भी करना चाहा, ठीक है। वो पार्षद के चेले हैं, अंधभक्त मानो, उनको 10-20 रुपया लालच दे दिया, उनका घर का काम चला हुआ है, ठीक है। वो इस चक्कर में कमीशन बेस पे उनके चेले हैं, वो विरोध करते हैं। अभी आपने मीडिया क्यों बुलाई, ये क्या गली बनवा देंगे? अरे नहीं बनवा, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तक माँ दूध पिलाएगी? बताओ, विधायक यहाँ आए नहीं, एमसी यहाँ आए नहीं, तो मीडिया को हम बुलाए नहीं तो बुलाए किसको? एक दिन यहाँ एक चौपाल का उद्घाटन था, और विधायक जी को आना था, रातों रात 20 ट्राली माटी की पड़ी इस गली में, उसके लिए रास्ता एक रात में बना दिया गया। क्यों? यहाँ आदमी नहीं है, यह विधायक की आदमी, उसके लिए रातों रात में 20 ट्राली माटी का रास्ता बना दिया। अभी उस दिन उद्घाटन हो गया, उसके बाद जयराम जी की फिर लोग आपके सामने गली में खड़े हैं। कौन सी विधानसभा में पड़ता आपका ये? पानीपत ग्रामीण, विधायक महिपाल डंडा। चलिए, आप भी कुछ बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? सर कहना तो ये है, ना निकलने का रास्ता है ना कुछ है। सुबह ऑफिस के लिए निकलो, वहाँ पे आधे शूज इतने दस्ते हैं, बताओ कहाँ से निकले हम लोग, है वापसी घर पे आए फिर बताओ कहाँ, मन नहीं करता जाने के लिए, सुबह ही यहीं दिमाग खराब होता है, घर जाके बताओ क्या कर फिर हम ना, सुबह ड्यूटी पे जाने के बाद सारा दिन मूड खराब रहता है, ना निकलने का रास्ता, ना बाइक निकालने का रास्ता, बताओ बाइक भी हमारी वहाँ फैक्ट्रियों में खड़ी करनी पड़ती है, बताओ हमें, ना पानी आ रहा है, 10 दिन हो गए हैं, कोई ये पूछने नहीं आया भाई कम से कम एक रास्ता बना दो,
एक रास्ता, कोई बात नहीं, ये निकल के वहां से पीछे से घूम के एक रास्ता बना दो। अरे ये थोड़ी ना सारी रास्ता ब्लॉक हो जाए, ना गाड़ी निकल सकती ना बाइक निकल सकती, सारी लेडीज तो परेशान है यहाँ। बताओ कब तक ट्यूबवेल चलाएंगे अपने घर? एक बार भी पूछना चाहिए एमसी ने क्या दिक्कत है क्या नहीं है भाई। अरे आगे पूछो तो सही, मैंने एक दिन टोक लिया मगा अंकल जी, अरे मैं दिख गया हूँ तभी बोल रहे हो। बताओ ये बात अच्छी थोड़ी ना होती है भाई, सारों की सलाह लेनी पड़ती है, और क्या कहूँ बताओ। अच्छा एक चीज बताइए भाई साहब, यहाँ पे गली तो मैंने देख ली आपकी चारों तरफ जो इस तरह से बुरा हाल है, लेकिन बोर्ड आपके यहाँ चमचमा रहे हैं। बोर्ड भी क्या चमचमा रहे हैं, ये आप खुद देखो इसका एरो किस साइड में है। गली का एरो गली में होता होगा, इसका एरो उधर है। यहाँ ये अर्जुन नगर है, अर्जुन नगर की लास्ट गली है, लेकिन यहाँ बोर्ड किसका लगाया? कुलदीप नगर का। ना है यहाँ दुर्गा मंदिर है, ना है गुरुद्वारा है। ये 25-30 हजार रुपए जो इसका बिल बना होगा उसका पार्षद या सरकार जो भी है वो खा रही है इसका, दो नंबर का पैसा जो भी है, और ये मिसयूज है। ना इसको कोई एड्रेस किसी रिश्तेदार को बता सकते, आप खुद देखो इसका एरो किस साइड में है और गली किस साइड में है। क्या इसका मिसयूज नहीं हो रहा? गलत यूज करके खाली पैसा कमाने के लिए बोर्ड बनवा दी गई है, कोई बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। वैसे जबरदस्ती कहीं भी कुछ भी ठोक देते हैं, लगा दिया चल गई गाड़ी में जयराम जी की। ये देखो किस साइड में बोर्ड का एरो लगाया हुआ, उधर ना उधर को गली है ना कुछ है। क्या किसी मकान में किसी का एड्रेस देते हैं? आप ये खुद देखो, ये रबड़ी बनी हुई आपके यहाँ पे, ये रबड़ी जो बनी है, अब की बार जब इलेक्शन आएगा जो भी पार्षद विधायक जो भी आएगा ये रबड़ी उसके लिए रखेंगे और उसको रबड़ी खिलाएंगे। जब रबड़ी खाएगा तो वोट देंगे, नहीं खाएगा तो वोट भी नहीं देंगे हम। बिल्कुल, इतने कीचड़ के अंदर आप खड़े हो, बच्चों को भी परेशानी होती होगी, चोट भी लगती होगी। सर जी ऐसा बात है कि इधर पानी के बहुत, आज 10 दिन से पानी की समस्या बहुत खराब चल रहा है। एक जनानी है वो 8 दिन से लैटरिन करके धो नहीं रही है, उसको पानी भी ना, इतना दिक्कत है उसके घर में। बोला वो बेचारी कह रही मैं इसीलिए मैं खाना नहीं खा रही, लैटरिन जाने की परेशानी, पानी है नहीं है, तो मैं क्या करूं उसके लिए है, पानी नहीं है। बच्चे ये बताया जा रहा कि काफी सारे ये जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, और आपको भी पता है तमाम दर्शकों को जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, और कि सारा शहर जो है इसी तरह से खुदा पड़ा है। अलग अलग कॉलोनी से अलग अलग वार्डों से आपको इसी तरह की तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश की इन तस्वीरों को शेयर करें। हाँ बताओ बेटा। इस गली में बहुत बहुत परेशानी है, ना तो पानी आ रहा है ना ये सड़क बन रही है, बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है। रोज बच्चे आधे आधे पानी में जाते हैं, स्कूल जाके सर की डांट खाने पड़ते हैं, लेट होते हैं, और ना तो पानी है पीने के लिए, पानी से बहुत तंगी है, दूर दूर से लाना पड़ता है पानी पीने के लिए। क्या करोगे आप? मम्मी पापा को बोलते हैं भी आप लोग सही वोट का इस्तेमाल नहीं करते? कहते हैं सर, रोज कहते हैं। 15 दिन हो गए स्कूल में जा रहे, कहीं जाते हैं इनका पापा जी बारिश हो रही है, चलने का रास्ता नहीं है, कहीं जूते गिर जाते हैं, वापिस आ जाते हैं बच्चे, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है हमारे कारण, इसलिए वापिस आ जाते बच्चे। अब किसको, सारे स्कूल के बच्चे सारे परेशान हो रहे, सारे गिर गिर के आ जाते वापिस, सारे रोते हैं बच्चे, रोज घर में बैठे रहते हैं, ना स्कूल में जाते ना पानी जाता ना यहाँ कोई निकल जाता। हम भी बीमारी में दवाई लेके ऐसे ही 5 दिन में दवाई लाए, यहाँ तो जहाँ तो जहाँ कहाँ, ये जरा जरा से बच्चे हैं, ये कहाँ जहाँ ड्यूटी पे जाना, इनसे पूछो, इनसे बच्चों से पूछो। मैं सरकार से कहना चाहूंगी क्या काम करवा रहे, गलियों में इतना पानी भरा है, किस लिए हम पढ़ने जाए? पढ़ने के लिए जाएंगे भी तो बस्ते भीग जाते हैं, कैसे पढ़े, घर का ऊंचा नाम कैसे करेंगे? गलियों में इतना पानी भर रहा है, सरकार क्या काम करवा रही है? बीजेपी का झंडा लहरा रही है, आगे सारे जाके देखो पूरा पानी भरा हुआ है, किधर से हम जाए बताओ? सरकार क्या काम करवा रही है? इधर जाके देखो पूरा पानी भरा हुआ है, सरकार किसी चीज का बस नाम का सरकार बनवा रखी है। जनाब 3 बच्चे यहाँ गिरे, बच्चे मर जाते, कौन जिम्मेदार है? उधर उसको बोला ठेकेदार में ये मिट्टी इधर करा दे, नाम नहीं मिट्टी गिरेंगे, ये सारे इतना खड्डा है, ऊपर बच्चे लिख रहे, बच्चे सारे नीचे गिरे, बस्ते सने मैं रबो खड़ा, मैंने उनको उठवाया, उसकी मम्मी भी जा साथ में, क्या होगा अब? तो कोई ड्यूटी आने जाने को ड्यूटी जाओ जी, बाइक में खड़ी करने जाने पड़े, लिफ्ट मांग मांग हम ड्यूटी जाओ जी, अपनी बाइक भी अपने घर खड़ी करके निकल नहीं रास्ता है, कोई लिफ्ट भी नहीं देता, हमें लेट हो जाते हैं, हमें सुबह सुनी पड़ती पर जाने के बाद, क्योंकि बाइक में दूर दूर खड़े हो जाते हैं बाबूजी जाने के लिए, काम नहीं करेंगे फिर जाएंगे कहते बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग यहाँ पर परेशान है। गिरे दोनों बार उसमें गिर गए, इनको अपने उठाया, गिर गिर का इन बच्चों तो बुझो, बच्चे बोलेंगे सही साफ, बच्चों तो बोल
चलिए तमाम लोगों से अपील की इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें ताकि स्थानीय नेताओं की, स्थानीय पार्षद की और जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन सब की आंख खुले और इन जो ये परेशान है जिन लोगों ने उनको वोट दी जिता करके विधानसभा में भेजा और नगर निगम के अंदर जो है जिता करके भेजा, पार्षद उनको बनाया, तो कम से कम उनकी जरूर सुननी चाहिए। सब लोग परेशान हैं। लगातार इसी तरह से अलग अलग वार्ड से, अलग अलग कॉलोनियों से आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।